हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में आपको आपकी जीमेल आईडी को परमानेंट किस तरह डिलीट किया जाता है वो बताएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले आपकी सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यह जो गूगल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है जो आप डिलीट करना चाहते हैं। मैं ये ईमेल आईडी डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं ये ईमेल आईडी को सेलेक्ट करता हूँ। अब मैनेजर अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको डाटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको देखिए डिलीट गूगल सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। आपको नीचे डिलीट योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। चलिए तो हम इसके ऊपर अब क्लिक करते हैं। अब आपके सामने उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना होगा जो ईमेल आईडी आपको डिलीट करनी है। चलिए मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। अब देखिए आपके सामने न्यू पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपके इस जीमेल आईडी में क्या क्या कंटेंट अभी अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ आप मेरे 65 ईमेल पेंडिंग पड़े हुए हैं वो जो कि वो डिलीट हो जाएंगे। और यहाँ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी इससे कनेक्टेड था और उस पर एक वीडियो भी अपलोडेड है, ये भी डिलीट हो जाएंगी और मेरा यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो जाएगा। और योर चैनल विद वन सब्सक्राइबर विल बी डिलीटेड, और जो मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइबर है वो भी डिलीट हो जाएगा। मेरे जो जीमेल आईडी के साथ कैलेंडर की जो चीज़ें थी वो भी डिलीट हो जाएंगी, और गूगल प्ले ऐप्स एंड डिजिटल कंटेंट में जो जो चीज़ें थी वो सब डिलीट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको जो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा हैव बीन डिलीटेड, यहाँ पर नोटिफिकेशन बता रही है कि मेरा जो भी गूगल का अकाउंट है और उसके साथ जो भी डाटा जुड़ा हुआ था वो सब डिलीट हो चुका है। अगर मैं इसे रिकवर करना चाहता हूँ तो रिकवर योर अकाउंट पर मैं कुछ क्लिक करके उसको रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये ईमेल आईडी परमानेंट डिलीट करनी थी तो मैंने आपको ये वीडियो में बता दिया कि आपको जीमेल आईडी परमानेंट कैसे डिलीट करना है। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो हमारे ये चैनल हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।